नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले सब छोटे से लेके बड़ों तक और सबको पसंद आएगी, वो भी हेल्दी और टेस्टी हरा भरा कबाब। आप रिजल्ट देख रहे हो दोस्तों, बाहर से कितने क्रिस्पी, अंदर से हल्के से सॉफ्ट है। यह हमने पालक और मटर से बनाया हुआ है। तो चलो फिर ज़्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पालक लिया हुआ है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया हुआ है और सिर्फ पालक के पान हमें चाहिए। और यहाँ पे हमने एक कप जितनी कोथिंबीर ली है यानी कि धनिया, इसे भी हमने धो लिया हुआ है। और एक कप हमने मटर लेना है, अभी मटर का सीजन आ रहा है, फ्रेश फ्रेश मटर मिल रहे, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाने वाले हरा भरा कबाब। अभी यहाँ पे एक पैन ले लिया है दोस्तों, यहाँ पे हमने सिर्फ यानी सिर्फ एक चम्मच ऑयल डालना है और ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे हमने 4 या 5 हरी मिर्च डाल देनी है, इसे अच्छी तरह से हमें कुक कर लेना है। अभी यहाँ पे मिर्च में चटाके आना स्टार्ट हो गया और मिर्च अच्छी तरह से कुक हो गए। अभी मिर्च को थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने 10 या 12 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं, क्योंकि जब हरा भरा हम कबाब बनाएंगे तो कच्चापन हमें चाहिए नहीं मसालों में। एक कप यहाँ पे मटर भी डाल देते हैं, इसे भी 1 मिनट के लिए चला लेना है। अभी यहाँ पे मटर हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। अभी इसी के साथ हम डालेंगे धनिया डाल देते हैं और इसी के साथ हमने पूरी ही पालक डाल देनी है और पालक को अच्छी तरह से हमें कुक कर लेनी है। हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे हमने पानी का यूज़ थोड़ा भी करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पालक में बहुत सारा पानी होता है तो ये अपने आप पानी छूट जाता है, तो पानी हमें डालना ही नहीं। इसे हमें बाद में 1 मिनट के बाद इसे पलटी करेगी, जब तक हमें इसे हाथ में लगा ऐसे करने जाओगे तो पैन से बाहर पालक निकल जाएगी यानी गिर जाएगी, वापस इसे उठाना पड़ेगा। थोड़ी गलने के बाद ही हमें इसे पलटी करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पालक धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे हो इसी तरह से। अभी इसे हमें चला लेना है, इसी तरह से जब तक ही चला, जब तक की पालक अच्छी तरह से कुक ना हो जाए, सारी सामग्री हमें अच्छी तरह से चला लेना है। अभी यहाँ पर पालक और हमारी सारी सामग्री अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। जो भी पालक में पानी था वो मैंने पूरा ड्राई कर लिया, पालक का पानी हमें थोड़ा भी चाहिए, इस बात का ध्यान देना आप। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और एक बाउल में इसे निकाल लेना है। अभी यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लेना है, यहाँ पे जो भी पालक हमने बनाई थी सारी सामग्री पालक मिक्सर के जार में हमें डाल देना है पूरा ही। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से महीन पीस लिया, आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ डालना सी पीसे, ऐसे हमें महीन पीस लेना है, परफेक्ट। तो अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पे एक बाउल ले लेना है, यहाँ पे जो महीन पीसा हुआ मसाला वो डालते देते पूरा ही डाल देते हम। अभी यहाँ पे सारा मसाला हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे हमने छोटे छोटे आलू लिए 4, बड़े आलू तो 2 लेना है और छोटे हो गए तो 4 लेना। अभी इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। आलू की यहाँ पे हमने गुठली नहीं चाहिए दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, आप आज का वीडियो आपको कैसे लगता तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आलू को हमें अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आलू को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला, इसी के साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी डाल देनी है और इसी के साथ हम डालेंगे भुना हुआ जीरा डाल देना 1/2 चम्मच, पाउडर डाल देना है और इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी यहाँ पर हम डालने वाले हैं कुरकुरापन आने के लिए चावल का आटा डालना है। यदि आपके घर में चावल का आटा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नई सूजी आपको खाना पसंद होगा तो आपको लग रहा है तो कुछ ने घर के जो चावल पड़े होते उसे हमें मिक्सर में निकाल देना है, उसका पाउडर बना लें, वो भी आप डाल सकते हो। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने चावल का आटा डाल देती हूँ। अब इसी के साथ ही हमने डालना है 3 चम्मच बेसन का आटा डाल देते हैं। बेसन के आटे की जो टेस्ट होती है हरा भरा कबाब में बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, तो 3 चम्मच यहाँ पे हमने बेसन का आटा डाल देना है। अभी हल्का सा हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम डाल देते हैं थोड़ा कुरकुरापन आने के लिए, 1 चम्मच जितना। यदि ब्रेड क्रम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। अभी इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से हमें अच्छे से डो बना लेना है, सॉफ्ट सा टाइट सा डो बनाना है दोस्तों। देख रहे हो ग्रीन कलर कितना परफेक्ट आ गया है। जैसे हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, ढाबे पे जाते हो, कैसे लगता है खाने का बहुत दिल होता है पर घर पे आता नहीं बनाना, तो इस स्टेप से आप बनाओगे दोस्तों तो सही कहते हो रेस्टोरेंट जैसी फील होगी घर में, और आप हफ्ते में 2 या 4 बार तो आप सही में तो बनाओगे और बच्चों लोगों के भी बहुत ही हेल्दी, क्योंकि इसमें पालक हमने डाली ना इसीलिए। तो इसी तरह से हमें डो बना लेना है सॉफ्ट सा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सॉफ्ट सा डो बना लिया है और कलर कितना परफेक्ट आ गया, ओरिजिनल ग्रीन कलर देख रहे हो। अभी हमें इसे छोटे छोटे कबाब बनाना है। अभी यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम ले लिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी आपको मैं बताना चाहूंगी ब्रेड क्रम कैसे बनाया जाता है। घर पे जो ब्रेड पड़े होते हैं हम लोग बनाते हैं तो हमें उसे फेंकना नहीं है, उसे क्या करना है मिक्सर के जार में निकाल देना है और हल्के से हमें तवे पे गरम कर लेना, तो इसी तरह से ये ब्रेड हो जाता है क्रम, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है दोस्तों, इसका वीडियो देखना तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। यदि आपको चाहिए नए तरीके से मुझे कमेंट करना, वो भी मैं अपलोड कर लूँगी। अभी यहाँ पर हल्का सा ऑयल ले लेते हैं,
और हाथों को पहले चिकना कर लेना है इसी तरह से। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे पेड़े बनाना है, तो हाथों से साइज आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे लड्डू के जैसे गोल गोल मैंने कर लिया हुआ है, देख रहे हो कितना चिकना बॉल बन गया। अभी इसे हल्के से हमें फ्लैट कर लेना है इसी तरह से। अभी इन हाथों से हमें इसे करते जाना, यानी शेप अच्छा आ जाता है, देख रहे हो। नहीं जमा तो ये स्टेप भी अच्छा है, जो दरारे होते हैं वो निकल जाते हैं, जो दिख रहे ये दरारे हमें वो चाहिए नहीं। इसी तरह से हमें इसको कर लेना और इसे करते हमें इसे करते रहना है, एकदम अच्छी तरह से हमारे ये कबाब बन जाते हैं, परफेक्ट। देख रहे हो, और थोड़ा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसे हमें हल्के से इसे कर लेना है, देख रहे हो, हल्का सा फ्लैट कर लेते हैं और एक बार इसे चिकना कर लेना है हमें। तो सारे हम ऐसे ही कबाब बना लेते हैं। अब यहाँ पे सारे मैंने हरा भरा कबाब बना लिए। अब यहाँ पे हमने ब्रेड्स कम लेना है, क्योंकि कुरकुरापन बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। तो इसे एक ही बार इसमें डस्ट कर लेना है, देख रहे हो इसी तरह से। हाँ दोस्तों, ये ऑप्शनल है ब्रेड्स क्रम, पर मैं थोड़ा कुरकुरापन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड्स क्रम का यूज़ किया हुआ है। हल्के हल्के आपको तो इसे करते जाना है, तो क्यों ना सारे ब्रेड्स क्रम हम इसे लगा लेते हैं हरे भरा कबाब को। अभी यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड्स क्रम लगा लिए कबाब में, आप देख सकते हो। अभी एक जगह मैंने ऑयल गर्म करने रख लिया, अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान देना, यहाँ पे हमने गर्मा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम ऑयल चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अभी यहाँ पे हमने एक एक टिक्किया ले लेनी है इसी तरह से, और धीमी आंच पे इसके शैलो फ्राई करते जाना है, धीमी आंच पर। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अभी तक चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। बेल आइकन में भी क्लिक करना है, यानी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें डालना है और इसे तुरंत टच करना है, थोड़े टाइम के बाद हमें टच करके इसे पलटी करना है। अभी यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, अभी एक एक पलटी हमें करना है इसी तरह से, जब तक ही पलटी करना है इसे करना है, क्रिस्पी तक इसको फ्राई करना है। तो सारी टिक्की हमें इसे ही शैलो फ्राई कर लेना है। अभी यहाँ पे हमारे कबाब रेडी हो गए, इसे मैं उलट पुलट मैंने 2 या 3 बार कर लिया है, आप देख सकते हो हल्का सा गोल्डन आ गया कलर इसका। ज़्यादा भी इसे गोल्डन नहीं करना है, तो फिर ज़्यादा पक जाएगा, फिर जैसे चाहे वैसे टेस्ट आएगी नहीं, इस बात का ध्यान देना है। मैं आपको लेके बता देती हूँ दोस्तों, वाव देख रहे हो कलर कितना परफेक्ट आ गया है। तो इसी तरह सारे कबाब में इसे फ्राई कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बना दिया, एकदम रेस्टोरेंट से हरा भरा कबाब, वो भी कुरकुरा, यानी बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। मैं आपको लेके बता देती हूँ, ऑयल थोड़ा भी नहीं है, आवाज़ देख लेना है ना। तो इजीली हमारे कबाब बन गए रेडी, अभी हम तोड़ के बता देते हैं। एकदम परफेक्ट हमारे कबाब बन गए, होटल जैसे ही रिजल्ट आपके सामने। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगता था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इसे प्यार और सपोर्ट करते रहना है दोस्तों। धन्यवाद।